Oh, so now we will discuss about the protoplasm, the inner content of the cell. In our last class, we had seen the details. We have understood, we have studied the details of nucleus, cell membrane, cell wall, and the prokaryotic cell structure. We had seen the animation part of the nucleus and cell membrane. Now, just understand, look into the concept of protoplasm. These two scientists, Purkinje and Moll, they have named and discovered this protoplasm. Actually, protoplasm is the living substance of a cell found inside the cell membrane. Cell membrane भीतरे जहाँ भी किसी content अच्छी, total टको protoplasm बोली कहो चंदे. It is the physical basis of life, main basis of life. जरा कि सेल भीतरे लाइफ कौन होले प्रोटोप्लाज्म टा ऑल द बायोकेमिकल मेटाबॉलिज्म्स और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज टेक्स प्लेस इन प्रोटोप्लाज्म ओनली. दिस आल्सो ग्रो ड्यूरिंग सेल डिवीजन बिकॉज द सेल कंटेंट नीड टू बी मल्टीप्लाइड बिफोर सेल डिवीजन. सेल डिवीजन हेबा आगुरु सेल रो जहाँ भी कंटेंट अच्छी से मल्टीप्लाई हेबा दरकार. मल्टीप्लाई हेले सिना सी सेल को दुईटा नुआ सेल को डिवाइड हबो, सेपरेट हबो. देयरफॉर द प्रोटोप्लाज्मिक कंटेंट नीड टू बी मल्टीप्लाइड और ग्रो. सेल इज इक्वल टू सेल वॉल इफ प्रेजेंट. जदि सेल वॉल अच्छी, प्लांट सेल ही थिबो, फंगल सेल ही थिबो, नहले प्रोटिस्टा रो सेल ही थिबो बोले सेल वॉल थिबो. एनिमल रो सेल थिले सेल वॉल न थिवो. ओके, सो वी आर स्टडिंग अबाउट यूकैरियोट. सेल इज इक्वल टू सेल वॉल इफ प्रेजेंट प्लस सेल मेम्ब्रेन प्लस प्रोटोप्लाज्म. सो प्रोटोप्लाज्म इज द इनर कंटेंट ऑफ द टोटल सेल मेम्ब्रेन. नाउ प्रोटोप्लाज्म इज इक्वल टू साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस. साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस. न्यूक्लियस इज द इम्पोर्टेंट सेल ऑर्गेनेल बिकॉज इट कंटेन जेनेटिक मटेरियल. साइटोप्लाज्म इज इक्वल टू साइटोसोल प्लस अदर सेल ऑर्गेनेल. साइटोसोल प्लस अदर सेल ऑर्गेनेल. साइटोसोल इज द फ्लूइड पोर्शन. अदर सेल ऑर्गेनेल मीन्स व्हाट एवर द सेल ऑर्गेनेल्स आर देयर. माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम, व्हाट गॉल्गी बॉडी, व्हाट एवर द सेल ऑर्गेनल्स आर देयर, दोज आर दोज प्लस फ्लूइड्स टुगेदर कॉल्ड एज साइटोप्लाज्म. नाउ यू अंडरस्टूड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड साइटोसोल. साइटोसोल इज द फ्लूइड पार्ट विद इन द सेल. सेल भीतर रो जहाँ भी किसी फ्लूइड पार्ट अच्छी, फ्लूइड माने सेमी लिक्विड पार्ट, that is actually cytosol. Okay, the other cell organelles are endoplasmic reticulum, Golgi body, mitochondria, vacuole, blastid, all these things we will study. Now we will understand what is cytoplasm and what is cell organelle. And before that we have studied सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, ऑल दिस थिंग्स वी हैड स्टडीड. नाउ वी विल गो थ्रू दिस टॉपिक. फ्लूइड इनसाइड द सेल एनक्लोज्ड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ए साइटोसोल. आई टोल्ड यू दिस साइटोसोल इज लिटिल विस्कस मीन्स लिटिल डेन्स. एत पाणिया नथिबो, टिके बहलिया थिबो, टिके डेन्स हेगी थिबो. एंड सेल ऑर्गेनेल ऑल टुगेदर कॉल्ड साइटोप्लाज्म. साइटोसोल प्लस ऑल द सेल ऑर्गेनेल
called as cytoplasm. Many cell organelles are found in cytoplasm. Hello, बहुत लोग cell organelles cytoplasm जिम्मेदी. Cytoplasm का significance कौन? It dissolves. Cytoplasm माने completely the cytosol and the cell organelles. It dissolves the nutrients, dissolve waste product. जहाँ भी किसी nutrient waste product sediment रही हो, waste product पर तो remove हो बना cell रू. Then cell organelle cytoplasm perform a specific function without which cell cannot function properly. Cytoplasm is a cellular activity. Hoochi. Jodaki, I mean jodha protoplasm kahile. Protoplasm on a complete ta. Cytoplasm plus nucleus. Hoochi protoplasm. So nucleus of the activity we have seen that. Then whatever the part left without nucleus is called as a cytoplasm. The protoplasm minus nucleus is equal to cytoplasm. The movement of cytoplasm within the cell is called as cytoplasmic streaming or cyclosis. Remember, important one mark. What is cyclosis or cytoplasmic streaming? Means cell the living activity jeto chalu thibo. Cell bhitare jinsora tike move hothyo, stable hegi nathibo. पूरा रिजिड है कि नथिबो सेल भीतर रो साइटोप्लाज्म सिंस इट इज द फ्लूइड पोर्शन द देयर इज अ स्मॉल लिटिल मूवमेंट ऑफ ऑल दीज थिंग्स इनर पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म अकर्स सो दैट मूवमेंट इज नथिंग व्हाट कॉल्ड एज साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग स्ट्रीमिंग माने बहिबा जिन झरणा बहिबा ऑर एल्स कॉल्ड एज साइक्लोसिस Function transport of metabolites, nutrients. Cytoplasm is responsible for the transport of from one cell organelle to another cell organelle, from one part of cell to other part of cell. Different particles, different materials are transported in the cytoplasm only. Exchange of material between cell organelle. I told you, cell organelle to organelle, mitochondria, chloroplast, Golgi body complex, mitochondria, whatever the materials transported through this cytoplasm only. So factors influence cytoplasm if the temperature increase or decrease. If pH of the body, pH means acidic or alkaline, okay, or neutral. See, the body ra pH change hala bole, cell ra madhye pH change hava. So if there is a change in pH, viscosity, means viscous solution, how much dense, ketiki gote bhitar ra jeti ki fluids achi body bhitare kima cell bhitare jaha bhi kichi fluids achi se beshi jodi viscous hai level to pura rigid hi jibo cell da less viscous hai level beshi liquid hi jibo cytoplasm da to se anusare viscosity is also a factor hormones these are different regulators hormone ra kaam kon metabolic activity ko regulate kariba Then light in the case of photosynthesis. So these are the factors which are influencing the metabolic activity as well as the cytoplasmic activity or cyclosis, cytoplasmic movement. Then come to cell organelles as I told you. What are the cell organelles? These are the specific compartment which maintains specific structure and function within the cell. Several, these are the organelles, Golgi body, endoplasmic reticulum, Golgi body complex, lysosome, vacuole, mitochondria, plastids, means chloroplast, one of the plastids is chloroplast, then peroxisome. These are membrane-bound cell organelle. Membrane-bound cell organelle means, we have discussed, they have membrane structure at its outer part. But ribosome and cytoskeleton are not membrane bound cell organelle. Ribosome or cytoplasm are membrane bound structure. Nahi. Those are non-membrane bound cell organelle. We will discuss what are these things. See, the cell organelle are the subcellular structures. We had discussed all these things. Which with a specific form, chemical compositions, functions, cell organelle maintain some specific structure and functions within the cell. In the mitochondria, plastid, all these cell organelle we have studied.
Each membrane-bound cell organelle is specific in its structure. Here, most important thing we have to understand is endomembrane system. Okay, what is happening? Each membrane-bound structure is specific in its structure and function. But few of these are coordinated in their function to form endomembrane system. माने किछिटा सेल ऑर्गेनेल अछंती जो माने कि इंटरडिपेंडेंट अमंग ईच अदर जणंकर काम आउ जण को ऊपर डिपेंड करे दे आर वर्किंग एज ए डिपार्टमेंट से माने टुगेदर काम करंती व्हाट आर दोज ऑर्गेनेल्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गॉल्गी बॉडी लाइसोसोम एंड वैक्यूल दीज आर द फोर सेल ऑर्गेनेल व्हिच वर्क टुगेदर वन बाय वन ओके जणकर जणक फंक्शन वन सेल ऑर्गेनेल रो फंक्शन अदर सेल ऑर्गेनेल रो फंक्शन ऊपर डिपेंड करे सो सिंस दे आर फंक्शनली इंटरडिपेंडेंट दोज आर कॉल्ड एज एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम एंडो मीन्स इनर मेम्ब्रेन मीन्स साइटोप्लाज्म रो भितरे किछ ओडे सिस्टम साइटोप्लाज्म सॉरी सेल मेम्ब्रेन भितरे मेम्ब्रेन माने सेल मेम्ब्रेन को बुझौची सेल मेम्ब्रेन भितरे जो साइटोप्लाज्म अच्छी से भितर किसी गोटे सिस्टमेटिक वे काम कर फ्यू सेल ऑर्गेनेल दोज आर कॉल्ड इज एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम और एंडोमेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेल्स ओके व्हाट आर दोज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गॉल्गी बॉडी कॉम्प्लेक्स लाइसोसोम एंड वैक्यूल बट द माइटोकॉन्ड्रिया इंपॉर्टेंट दिस इज इंपॉर्टेंट वन मार्क बट माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट एंड पेरोक्सिजोम they are membrane bound cell organelle but they are not the part of endomembrane system they are not the part of endomembrane system because their functions are not coordinated are not dependent on other cell organelle much we will study what is endoplasmic reticulum endo means within or inside within the cell cytoplasm okay plasmic प्लाज्मिक एंडो मीन्स विदिन द साइटोप्लाज्म एंडोप्लाज्मिक माने साइटोप्लाज्म भितरे रेटिकुलम मीन्स नेटवर्क साइटोप्लाज्म भितरे किछ ओडे नेटवर्क टाइप रो स्ट्रक्चर टाकु एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोली कहउचंदी आई हैड शोन यू व्हाइल आई वाज टीचिंग न्यूक्लियस न्यूक्लियस को सराउंड करिकी लुक इनटू योर नोट्स न्यूक्लियस को सराउंड करिकी जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डा अच्छी ना नहीं पूरा नेटवर्क हेल न्यूक्लियस को सराउंड करके अच्छी किंतु सेल भीतर वाले पूरा नेटवर्क भैया ही के अच्छी सर नो सो दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इट इज वेल डेवलप्ड नेटवर्क और रेटिकुलम ऑफ इंटरकनेक्टेड ट्यूबुल्स एंड वेसिकल्स द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कंटेन लॉट ऑफ ट्यूबुल्स एंड वेसिकल्स कौन से डा हमें देखिबा vesicles tubules tubules are tube like structure vesicles the container present throughout the cytoplasm cytoplasm ro chari pate nucleus ko surround kar rakhi ji but cytoplasm re chari pate ja ko pura cover up kar rakhi ji cytoplasm mane spread dei gachi cytoplasm bhitare besi because network no so er endoplasmic reticulum was first discovered by Porter and Thompson remember important names In 1945, as a network, it was named by Porter. In a discover hala, kino naadiya ino thila Porter naadale in 1953. ER is present in almost all eukaryotic cell. Sabu eukaryotic cell re ER dekha jaye very almost all eukaryotic cell re. The component of ER are lipoprotein, lipid, but less cholesterol. Lipoprotein means complex of lipid and protein. And lipids are also there. But cholesterol is also a lipid. But cholesterol is not much found in endoplasmic reticulum. Then come to structure of this endoplasmic reticulum. See, the cistern is there. Vesicle is there, tubules are there. Okay, these are the three components of endoplasmic reticulum. See the things. These are the structure. These are cisternae. You have seen
द न्यूक्लियस स्ट्रक्चर न्यूक्लियस रो चारिपट जो सराउंड कर रखी ए सिस्टर ने गुड़ाक चारिड़े सराउंड हो एंड ए फ्यू वेसिकल्स राउंड राउंड स्ट्रक्चर्स आर ऑल्सो देयर एंड ट्यूबुल्स द ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स आर ऑल्सो देयर व्हाट इज सिस्टर ने एंड ट्यूबुल सिस्टर ने आर द नेटवर्क्स ऑफ द रेगुलर अलाइनमेंट रेगुलर मैंने गोटे पैरेलल होकर ट्यूब भाया स्ट्रक्चर हो एंड इट दिस वाज लिटिल थिकर टे मोटा हो बट ट्यूबुल्स गुड़ा कौन इरेगुलर स्ट्रक्चर हो ट्यूब शेप रो लुक इन टू दिस डिफरेन्सटा जना पड़ जा वेसिकल्स मैंने एनी शेप गोटे कंटेनर टाइप हो सो ऑल दिस थिंग्स आर द पार्ट ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ओनली से राइबोसोम लिखाई माने एटा कौन राइबोसोम इज ए सेल ऑर्गेनेल बट इट इज फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ दिस सिस्टर्न एंड वेसिकल बट नॉट इन द ट्यूबुल सिस्टर्न एंड वेसिकल रो अपर सरफेस रे राइबोसोम लागे ना नहीं एंड दिस टाइप ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर कॉल्ड इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम RER बिकॉज दे द राइबोसोम इज अटैच टू द आउटर सरफेस ऑफ देयर मेम्ब्रेन सिस्टर ने आर फ्लाटेड फ्लाट हो अनब्रांचड ब्रांचिंग हो नाक लाइक स्ट्रक्चर मान गोटे कंटेनर टाइप हो सैक मान कंटेनर दे आर पैरेलल टू वन एंड अदर सी इट इज इंपोर्टेंट पॉइंट सिस्टर ने गुड़ाक पैरेलल हो गोटे जन दे कंटेन राइबोसोम एट इट्स आउटर पार्ट दीज आर फाउंड मोर इन प्रोटीन फॉर्मिंग सेल जो सेल गुड़ा करे बेसी मात्रा रे प्रोटीन तैयारी हो सबुठी सब सेल रे प्रोटीन तैयारी हम बिकॉज सेलुलर एक्टिविटी तो प्रोटीन रो गोटे मेजर रोल अच्छी इन द फॉर्म ऑफ एंजाइम सो ऑलमोस्ट एवरी सेल हैव दिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड सिस्टर्न बट दिस सिस्टर्न आर फाउंड मोर इन नंबर इन प्रोटीन फॉर्मिंग सेल द सेल्स विच आर प्रोटीन फॉर्मिंग मोर प्रोटीन इन दोज सेल्स दिस सिस्टर्न विल बी फाउंड बिकॉज राइबोसोम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन फॉर्मेशन वी डिस्कस्ड वी हैव स्टडीड राइबोसोम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस इन ए सेल सो वेसिकल्स दीज आर ओवल और राउंड शेप्ड स्ट्रक्चर इन द साइटोप्लाज्म मैंने वेसिकल्स गुड़ाक जोड़ा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रही पार्ट देन कम टू ट्यूबुल दीज आर द ट्यूबुलर सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर ब्रांचड दीज आर अनब्रांचड बट दीज आर ब्रांचड एलिमेंट मेनली प्रेजेंट नियर सेल मेम्ब्रेन पाखरे देखा जाए सो दे डू नॉट कंटेन राइबोसोम तांकर राइबोसोम रहे ना इंपॉर्टेंट पॉइंट दीज आर फाउंड मोर इन लिपिड फॉर्मिंग सेल्स जो सेल गुड़ा करे लिपिड बेसी फॉर्म हुए आगुड़ा कौन SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रे बेसी देखा जाए कौन ट्यूबुल्स बिकॉज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक डज नॉट कंटेन राइबोसोम देयरफॉर दिस ऑल्सो डज नॉट कंटेन राइबोसोम वेसिकल से स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रे वेसिकल रा कंटेंट अधिक रहे ओके सो टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वी विल सी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर ऑफ मेनली टू टाइप्स स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड इज ऑल्सो कॉल्ड एज SER एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज ऑल्सो कॉल्ड एज RER सो दीज टाइप्स आर एक्चुअली बेस्ड ऑन द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम दिस मीन्स व्हाट स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज विदाउट राइबोसोम ऑन इट्स आउटर सरफेस रे राइबोसोम रहिबो नाही कोडे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रो आई हैव शोन यू बट रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कंटेन राइबोसोम ऑन इट्स आउटर सरफेस
So now you just, now we will see the difference between RER and SER. Okay, the RER is a smooth endoplasmic reticulum which does not possess ribosome on its surface, therefore it is called as agranular. Granular means granules, manne choto choto small small granules in the form of ribosome is not found. Agranular means no granules. This possesses ribosome and called as granular. It is mainly formed of vesicle and tubules. Vesicle or tubule achi ame padile, because vesicle tubule, vesicle ra ribosome rahi pare, but some vesicles does not have ribosome. Okay, tubules never have ribosome, therefore it is made of, but it is mainly formed cistern and tubule. Hala tubule rahibo, few tubule bahut kam rahibo, kintu beshi cistern rahibo. आ किसी मात्रा वेसिकल सिस्टर्नरी राइबोसोम्स आर फाउंड वी हैव सीन. इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मेनली लिपिड सिंथेसिस. इंपॉर्टेंट पॉइंट, लिपिड सिंथेसिस पे एसीआर रेस्पॉन्सिबल. दिस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम. दिस इज फाउंड मोस्टली लिपिड फॉर्मिंग सेल्स जिन मसल सेल गुड़ाक स्टमक सेल ए लिपिड्स रहे बेस. तो लिपिड फॉर्मिंग सेल गुड़ाक बेस रहा जो सेल रे बेसी लिपिड तैयारी हो. दिस इज मोस्टली फाउंड इन प्रोटीन फॉर्मिंग सेल, माने मोस्टली अधिक मात्रा रे कोड़े देखा जो प्रोटीन फॉर्मिंग सेल, द सेल विच फॉर्म प्रोटीन मोस्टली. ओके सो देन सो एथरे कौन एडिपोसाइट्स. एडिपोसाइट्स माने देखले स्किन रा सरफेस सेल गुड़ाक एथेरे लिपिड्स दरकार, मसल सेल्स एगुड़ा सब. पोर्स आर आबसेंट सो दैट मेटेरियल मेटेरियल सिंथेसाइज्ड बाय एसीआर डू नॉट पास इनटू इट्स चैनल. ए आरईआर माने तार भितरे जो पोर्स बेसी नाही कोठे जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर अच्छी, जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर गुड़ाक ए भितरे पोर बेसी देखा ना. स्मॉल स्मॉल पोर्स आर नॉट फाउंड ट्यूबुल्स रे, किंतु दिस कंटेन पोर्स नेरो पोर्स बिलो इट्स राइबोसोम फॉर पासेज ऑफ सिंथेसिस सिंथेसाइज्ड पॉलीपेप्टाइड इनटू ईआर चैनल. ये देखो ये सब राइबोसोम लगी राइबोसोम तल पोर्सन को पोर गुड़ा छोट छोट छिद्र अच्छी सो दैट ए भितरे पॉलीपेप्टाइड गुड़ाक फॉर द शॉर्ट टर्म. पॉलीपेप्टाइड मैंने प्रोटीन, पॉलीपेप्टाइड मीन्स प्रोटीन पढ़ा आम एटा सब बायोमोलिक्यूल से. सो बिलो द राइबोसोम सरफेस स्मॉल पोर्स आर देयर आफ्टर सिंथेसिस ऑफ पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन्स. दोज थिंग्स विल बी स्टोर्ड फॉर टेम्पररली फॉर सम टाइम इन द इनसाइड दिस ट्यूबुलर, इनसाइड दिस सिस्टर्न ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स. इट इज अफन पेरीफेराल माने सेल मेम्ब्रेन पाखक लगी सेल मेम्ब्रेन रितर पट पोर्सन को लगी एंड दिज आर कनेक्टेड टू न्यूक्लियर एनभलप. एम कौन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रहा पटक लगी जो आरईआर जोड़ा देखे आम न्यूक्लियस दोज आर आरईआर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विच कंटेन राइबोसोम. सो दिज आर अटैच टू द आउटर सर्फेस अफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियर एनभलप एंड दिज आर अटैच टू इनर सर्फेस अफ सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन. देन फंक्शंस वी अंडरस्टूड द प्रोटीन सिंथेसाइज्ड आरईआर रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस एंड आफ्टर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन फॉर टेम्पररली दीज आर स्टोर्ड विद इन दैट सिस्टर्न एंड आफ्टर दैट गल्गी बॉडी. गल्गी बॉडी होची कुरियर सर्विस काम करे. वी विल स्टडी दैट गल्गी बॉडी आर रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग ऑफ दोज सिंथेसाइज्ड प्रोटीन. ये प्रोटीन गुड़ा जो सिंथेसिस हम दैट गल्गी बॉडी छोट छोट सब पाउच गुड़ाक गल्गी बॉडी इज कॉल्ड एज द कुरियर सर्विस और ट्रांसपोर्टिंग सर्विस इनसाइड द सेल. गोटे जगार आउ गोटे जगह को किसी मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करार अच्छी बोले गल्गी बॉडी से गोटे पैकिंग करी से ट्रांसफर कर. सो प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड. नाउ दिस प्रोटीन्स आर ट्रांसफर्ड टू सेवरल पार्ट ऑफ सेल फॉर सेवरल मेटाबॉलिक एक्टिविटी.
For that, Golgi body helps. Okay. SCR is responsible for synthesis of lipid like cholesterol, steroid. Lipid gudaku synthesis hobo. Helps in synthesis of hormone also. SCR ra aud main kaam kono hormone ku synthesis kariba. Like progesterone, testosterone, estrogen euda sab kono sex hormone gudaku. Reproductive hormone je ki sexual reproduction re help kare human pai. SCR helps in detoxification of harmful chemical in liver cells. Detoxification माने harmful chemical जदि किछि हम बॉडी भीतर को गला फूड माध्यम रे तो लिवर ताको डिटॉक्सिफाई करे तो लिवर रो सेल रे SCR रो काम सेटा लिवर रो सेल रे SCR बेसी थाए सो दैट इट हेल्प्स ओनली इन लिवर सेल इट हेल्प्स इन डिटॉक्सिफिकेशन ड्यूरिंग डाइजेशन. ER acts as channel to transport material to different part of cell. Endoplasmic reticulum जेहेतु गोटे नेटवर्क है कि सेल भीतर चारिआड़े स्प्रेड है कि रहे. Endoplasmic reticulum इन ए नेटवर्क सिस्टम रे गोटे नेटवर्क है कि इट इज स्प्रेडेड ऑल थ्रू द सेल पार्ट. ओके देयरफॉर इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट माने एटा गोटे रास्ता भलिया ट्रांसपोर्ट तो गल्गी बॉडी करिवो पैकिंग भलिया कुरियर सर्विस भलिया काम करिवो किंतु आरईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कौन सियाडे न्यूक्लियर एनवेलप रो सराउंडिंग है कि चारिआड स्प्रेड है कि थिबो सियाडे प्लाज्मा मेम्ब्रेन रो इनर पार्ट रे मधे एससीआर सराउंड है कि थिबो तो गुडा नेटवर्क रोड जाल बिछला बेला बिछाई था ऑल थ्रू द साइटोप्लाज्म तो सेटा गुडा रोड भलिया काम करिवो डिफरेंट मटेरियल गुडा को ता ऊपर देकि पास करिकि जाई परिबे रोड मैप भलिया काम करिवो. ओके सो दिस इज द थिंग. Then come to Golgi body complex. This part we will discuss in our next class. Okay, so I think we will finish this part in this class only. Now come to Golgi body apparatus. The Golgi body apparatus or Golgi body complex. What is it? The Golgi body complex is made up of cistern vesicle. The same thing. Jimmy said cistern vesicle. Kintu aro cistern re ribosome lagi nathibo. Golgi body complex ra cistern ne. Cistern bole kona gote tubular structure heithibo. But everything are almost parallel to each other. Almost parallel to each other. Look into the thing. See these are the cistern. तो ऑलमोस्ट पैरेलल अच्छी ईच अदर तो यहाँ हूँ वेसिकल्स देखु दीज आर वेसिकल्स स्मॉल स्मॉल वेसिकल्स. सो दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज गॉल्गियोजोम इंपॉर्टेंट गॉल्गीजोम और डिक्टियोजोम. जनरली डिक्टियोजोम इज द गॉल्गी बॉडी अपराटस इज कॉल्ड एज डिक्टियोजोम इन प्लांट सेल्स. जनरली प्लांट सेल गुड़ा करे डिक्टियोजोम बोली कहा जाए कारण एम चारिआड़े स्प्रेड है थे प्लांट सेल रोटे जगह एकुमुलेट हो नए चारिआड़े स्प्रेड है थे देयरफॉर इन प्लांट सेल्स दिस गॉल्गी अपराटस आर स्कैटर्ड ऑल थ्रू द प्लांट सेल एंड आर कॉल्ड एज डिक्टियोजोम्स. जोम मीन्स कंपार्टमेंट. सो दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज ट्राफिक पुलिस ऑफ द सेल और कुरियर सर्विस ऑफ द सेल. ट्राफिक पुलिस काम कौन को मटेरियल को को व्हीकल को कुआडे सब ट्रांसफर करिवे ना एपटे सेपटे सब अलाउ करिवे से देयरफॉर दिस गॉल्गी बॉडी आर एक्चुअली कंट्रोलिंग डिफरेंट कंट्रोलिंग द ट्रांसपोर्ट ऑफ डिफरेंट मटेरियल विद इन द सेल. डिफरेंट मटेरियल को से पैकिंग करिकी से डिफरेंट लोकेशन को इनसाइड द सेल डिफरेंट लोकेशन को से ट्रांसफर करिवे. सो डिस्कवर्ड बाय केमिलो गॉल्गी. केमिलो गॉल्गी एक्चुअली एक हम एक्चुअली केमिलो गॉल्गी हैव डिस्कवर्ड दिस ऑर्गेनेल देयरफॉर इट इज नेम्ड एज गॉल्गी बॉडी अपराटस. सो इन नर्व सेल ऑफ कैट प्रथम से कैट रो नर्व सेल रे फाइंड आउट करथिले केमिलो गॉल्गी इन 1898. रिमेम्बर दिस. इट इज प्रेजेंट इन ऑल यूकैरियोटिक सेल. इन ए सेल दीज आर फाउंड नियर न्यूक्लियस. न्यूक्लियस पाखापाखी कहीं न्यूक्लियस पाखापाखी वाई बिकज न्यूक्लियस पाखे अच्छी एंडोप्लाज्मिक न्यूक्लियस जस्ट बाहर पटक अच्छे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ताऊपर लगी राइबोसोम. कहीं पढ़ले
बिकज अफ प्रोटीन फॉर्मेशन प्रोटीन को सिंथेसिस करिया बिकज न्यूक्लियर पोर देकी जेतेबेले व्हेन द आरएनए विल कम आउट दैट आरएनए विल अटैच टू द राइबोसोम विच राइबोसोम द राइबोसोम विच इज अटैच टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड विल सिंथेसिस प्रोटीन ओके एंड दैट प्रोटीन मॉलिक्यूल विल बी पैक्ड विल बी पैक्ड एंड ट्रांसपोर्टेड टू ऑल थ्रू द सेल सेल रो चारि आड़े ट्रांसपोर्ट हबो हेले से जे प्रोटीन तब किए ट्रांसपोर्ट करे गल्गी बॉडी करिवो देयरफॉर न्यूक्लियस पाखापाखी थिले सिना से माने ट्रांसपोर्टिंग काम करिवे सो इन प्लांट्स दीज आर कॉल्ड एज टिक्टियोसोम्स दीज आर अब्सेंट इन बैक्टीरिया बैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी बिकॉज दे आर प्रोकैरियोट दीज आर अब्सेंट इन दोज सेल्स और ऑर्गेनेल्स स्पर्माटो जो आप ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइटा एंड सीव ट्यूब सेल्स ए सबुरे माने प्रायतः अब्सेंट रहंती ओके ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइटा एंजियोस्पर्म ऑल दीज थिंग्स वी स्टडीड देन कम टू स्ट्रक्चर दिस इज द स्ट्रक्चर जी सिस्टरने गल्गी बॉडी अपार्ट मेड अप ऑफ सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड ए सिस्टरने विच आर एक्चुअली पैरेलल द मार्जिन ऑफ ईच सिस्टरने आर जेंटली कर्व्ड देख मार्जिन मान दुटा एंड टी कर्व हो सब पैरेलल ही करते बट मार्जिन गुड़ाक मानने दि एंड ऑफ टू डिफरेंट एंड ऑफ सिस्टरने आर एक्चुअली कर्व्ड सो दैट द एंटायर गल्गी बॉडी अपार टेक्स ऑन कप लाइक स्ट्रक्चर बोले टोटालटा कप भाया देखा जामी देख कप भाया देखा जाए तो सिस्टर ने एट द कन्वेक्स कन्वेक्स और कनकेव दिस इज कनकेव एंड दिस इज कन्वेक्स एंड सो कन्वेक्स ऑफ द डिक्टियोसोम कंप्राइजेस सिस फेस कन्वेक्स टाकु कन्वेक्स कोडा दिस इज कन्वेक्स सिस फेस बोली कहले एंड कनकेव जोटा कि ट्रांसफेस बोली कहले व्हाट इज द वर्क ऑफ सिस फेस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर रिसीविंग ऑफ डिफरेंट मटेरियल कुरियर काम करियो ना ट्रांसपोर्टिंग काम करियो सो डिफरेंट मटेरियल को सिस फेस रे जोड़ा कि कन्वेक्स फेस कप शेप स्ट्रक्चर हला है कप हेले एटा हला कन्वेक्स एटा हला कनकेव कनकेव फेस दिस इज कन्वेक्स फेस सो दिस कन्वेक्स फेस इज कॉल्ड ए सिस फेस एंड इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर रिसीविंग ऑफ मटेरियल मटेरियल को रिसीव करिवो ताकु पैकिंग करिवो पैकिंग करिगी इट इज ट्रांसपोर्टिंग कोपड़े छाड़िवो एपटे ट्रांस फेस पटे छाड़ सिंस इट इज रेस्पॉन्सिबल ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्टिंग माने सिपिंग साइड माने सिपिंग साइट माने ट्रांसपोर्टिंग साइट ऑफ गल्गी बॉडी अपराटस ओके इट इज रिटर्न हियर देन कम टू दीज आर ट्यूबुल्स दीज आर एराइज फ्रॉम सिस्टरने जेहेतु ट्यूबुल और सिस्टरने भितर बेसी डिफरेन्स रही कहीं बोले सिस्टर ने गुड़ाक बहुत लंबा लंबा पैरेलल स्ट्रक्चर बट इट डज नॉट कंटेन राइबोसोम तो सही किंतु एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिस्टर ने और ट्यूबुल भीतर डिफरेंस अच्छी बट दीज आर द ट्यूबुल्स आर जेनरेटेड डेवलप्ड फ्रॉम सिस्टर ने एंड इट फॉर्म ए कॉम्प्लेक्स ऑफ नेटवर्क्स डिफरेंट नेटवर्क कॉम्प्लेक्स गुड़ाक तैयारी कर सिक्रेटरी वेसिकल्स दीज आर द वेसिकल्स विच आर स्मॉल साइज कंपोनेंट कंटेन सिक्रेशंस ऑफ सेल्स एंड कैरी मटेरियल एक्चुअली ए सब वेसिकल फॉर्म रे डिफरेंट मटेरियल गुड़ाक पैकिंग होगी सी डिफरेंट सेल रो पार्ट को जीवो सेल रो डिफरेंट ऑर्गेनेल पाकु जीवो बिकॉज प्रोटीन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल मॉलिक्यूल एंड प्रोटीन्स आर एंजाइम्स ऑल्सो दीज आर वर्किंग इन डिफरेंट मेटाबोलिजम्स सो दीज डिफरेंट प्रोटीन मॉलिक्यूल्स और डिफरेंट मटेरियल्स विल बी पैक्ड इन दिस वेसिकल्स एंड विल बी ट्रांसपोर्टेड to different part of the cell. Then come to function. The main function of Golgi body is secretion. Secretion mane kon different material ku se transport karibo gote part to other part ko. So that its a large size among the secretory cell. Ni jo so cell just cells which secrete more hormones and different particles. Hala se cell guda ka madhya ethire Golgi body beshi rahe. बिकज गल्गी बॉडी कॉम्प्लेक्सेस आर ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग विद इन द सेल एंड आउटसाइड ऑफ द सेल माने गोटे सेल आउ गोटे सेल को किसी पार्टिकल सेंड कर तो सेटा भी पैकिंग हो तो करना तो गल्गी बॉडी जो वेसिकल रहे से वेसिकल ही से पैकिंग होगी गोटे सेल रु आउ गोटे सेल को जीव इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ट्रांसपोर्ट हाउस ऑफ द सेल टोल्ड यू
acts as a courier service, means packaging and carrying material. Packing करिवो और carry मध्य करिवो. Main material material manufactured in endoplasmic reticulum and is transported. Co-material, proteins, mostly protein are functional molecule. तो protein गुड़ा को तैयारी हो बो endoplasmic reticulum रे और transported to various part inside and outside the cell through Golgi body apparatus. I told you. It is responsible for storage of various cellular secretion. हटा तो transport हल्लानी तो store भी करी रखी हो सी किसी समय पे कौन कौन store कर रखी हो store कर ले सी transport करी हो तो immediately से receive करी कि store कर दो वो तापर vesicle form में धीरे धीरे transport करी हो. What are the material? Enzymes, proteins, cellulose. Cellulose is a carbohydrate. Protein, enzymes are proteins. And cis phase and trans phase ra mu actually work ta kahili. It is written here in details. Then come to lysosome. This lysosome we will discuss in our next class. So for the time being you understood, I will show you the animation of this endoplasmic reticulum, Golgi body, mitochondria and all this in the coming classes. Okay. We'll show you the animation of these things so that you will understand, but not individually. At last of this chapter, last go, mu sabu jagar animation tiki tiki dekhaibi. Okay. Samastanga ra endoplasmic reticulum, Golgi body apparatus, lysosome, all these things. I will show you the animations. So I hope you understood. If you have any doubt, you contact me and listen to this chapter repeatedly. I request you that this chapter is most important things for second year and first year also. So listen to this chapter repeatedly and study the material sincerely, otherwise the concept will not be clear. I'm telling you repeatedly, please focus on my words. Thank you very much.